नमस्कार, खेल समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं क्या है इस वक्त की स्पोर्ट्स हेडलाइंस। विमेंस प्रीमियर लीग में जीत के रथ पर सवार मुंबई इंडियंस का सामना आज गुजरात जायंट से। स्नेह राणा की कप्तानी वाली गुजरात को अब तक सिर्फ एक जीत हुई है नसीब। इंदौर पिच की पुअर रेटिंग के खिलाफ बीसीसीआई ने बुलंद की आवाज। आईसीसी में औपचारिक रूप से दर्ज कराया विरोध। मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड के रेटिंग का रिव्यू करने की रखी मांग। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन और एचएस प्रणॉय आज पेश करेंगे चुनौती। साइना नेहवाल ने चैंपियनशिप से नाम लिया वापस। भारतीय दल से 22 साल का सूखा खत्म करने की रहेगी उम्मीद। FIH प्रो लीग में भारत ने हासिल की तीसरी जीत। विश्व चैंपियन जर्मनी को 6-3 से दी मार। अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंचा भारत। कल ऑस्ट्रेलिया से होगा मुकाबला। और चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में आज अंतिम 16 के दूसरे लेग में पोर्टो के सामने इंटर मिलान की चुनौती, तो वहीं मैनचेस्टर सिटी और आरबी लाइप्ज़िग होंगे आमने सामने। और आइए खबरों को विस्तार से देख लेते हैं और शुरुआत करते हैं विमेंस प्रीमियर लीग की खबर के साथ। विमेंस प्रीमियर लीग में आज मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स की टीम आमने सामने होंगी। इस टूर्नामेंट में मुंबई इंडियंस का अब तक का सफर बेहद शानदार रहा है। मुंबई इंडियंस पहली ऐसी टीम है जिसने इस टूर्नामेंट में अभी तक सभी मैच जीते हैं। अंक तालिका में शीर्ष पर मौजूद मुंबई इंडियंस ने अब तक 4 मुकाबले खेले हैं जिसमें से उसे चारों में जीत मिली है। वहीं दूसरी ओर गुजरात जायंट्स को 4 मुकाबलों में से 3 में हार का मुंह देखना पड़ा है। गुजरात जायंट्स की टीम इस टूर्नामेंट में एक जीत के साथ अंक तालिका में 4th पायदान पर काबिज है। ऐसे में आज के इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की कोशिश अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की होगी। वहीं गुजरात जायंट्स इस मुकाबले को जीतकर अपनी स्थिति को मजबूत करने के इरादे के साथ मैदान पर उतरेगी। वहीं कल खेले गए मुकाबलों की बात कर लें तो विमेंस प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को सोमवार को एक बार फिर हार का मुंह देखना पड़ा। आरसीबी को दिल्ली कैपिटल्स के हाथों 6 विकेट से हार झेलनी पड़ी। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बैंगलोर ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 150 रन बनाए, जिसके जवाब में दिल्ली ने 20वें ओवर में 4 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। यह आरसीबी की लगातार 5वीं हार है। टीम अब तक इस लीग में एक भी मैच नहीं जीत सकी है और अंक तालिका में सबसे नीचे 5वें स्थान पर मौजूद है। बीसीसीआई की बात करें तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी द्वारा इंदौर के पिच को दी गई खराब रेटिंग के खिलाफ औपचारिक रूप से विरोध दर्ज कराया है। बीसीसीआई ने आईसीसी से मांग की है कि इंदौर के होलकर स्टेडियम के पिच को खराब बताने वाले मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड के रेटिंग का रिव्यू किया जाए। बीसीसीआई का कहना है कि मैच रेफरी ने इंदौर के पिच को रेटिंग देने में काफी जल्दबाजी दिखाई। क्रिस ब्रॉड ने न सिर्फ इंदौर के पिच की खराब रेटिंग की बल्कि 3 मेरिट अंक भी स्टेडियम के खाते में जोड़ दिए। अब बात कर लेते हैं रोहित शर्मा की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में जीत हासिल करने के साथ ही भारत ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए के फाइनल में भी क्वालिफाई कर लिया। सीरीज जीत के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का कहना है कि यह जीत भारत के लिए अहम थी, जिसके लिए टीम के खिलाड़ियों ने काफी मेहनत की थी। बॉर्डर गवास्कर सीरीज में जीत के साथ ही भारतीय टीम ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये सीरीज बेहद अहम थी। सीरीज जीतने के बाद भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा मीडिया से रूबरू हुए और मुकाबले सहित कई अन्य सवालों का जवाब भी दिया। रोहित शर्मा ने कहा कि सीरीज के दौरान टीम ने शानदार खेल दिखाया। उन्होंने कहा कि सीरीज के 3 मुकाबलों में हमारे खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। काफी रोहित शर्मा ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की तैयारियों पर कहा कि खिलाड़ी फाइनल से पहले लंदन में 2 हफ्ते के अनुकूल शिविर में हिस्सा ले सकते हैं। गौरतलब है कि आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 जून से द ओवल थे हमारे लिए, तो हमें कोई ऐसे आसानी से कोई विक्ट्री या आसानी से कोई चीज़ें जीतने नहीं मिली, तो लड़के काफ़ी खुश है, सहमत है इस चीज़ से कि हमने 2-1 से सीरीज़ जीता है। तो
एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट मिला है वो काफी अच्छा है। रोहित शर्मा ने कहा कि सीरीज के दौरान टीम ने शानदार खेल दिखाया। उन्होंने कहा कि सीरीज के 3 मुकाबलों में हमारे खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। इंदौर हमारे लिए अच्छा नहीं रहा, बट ये जो 3 टेस्ट मैच हमने खेला, ये तीनों टेस्ट मैच में हमने काफी टाइम तक अच्छा क्रिकेट खेला। उन्होंने भी अच्छा खेला, लेकिन हमने भी काफी टाइम तक अच्छा खेला, क्योंकि 5 दिन का अगर मैच है, आपको रिजल्ट चाहिए, तो आपको काफी लंबे समय तक अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ता है, चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो। तो मैं समझता हूँ कि इस विकेट पे भी हमने पहले जिस तरीके से बॉल डाला, उनको 480 में आउट किया, आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट एफर्ट, क्योंकि पिच दो दिन पहले बहुत अच्छा था, बॉलरों ने अच्छा बॉल डाला, और उसके बाद हमें पता था तीसरा चौथा दिन इंडिया में आपने देखा होगा कि विकेट्स स्लो लो थोड़ी सी रफ और वो सब बन जाते हैं, बट बड़ा रन खड़ा कर दिया। रोहित शर्मा ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारियों पर कहा कि खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मुकाबले से पहले लंदन में 2 हफ्ते के अनुकूलन शिविर में हिस्सा ले सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल्स, नॉट दैट गाइज हु आर गोना बी पार्ट ऑफ द फाइनल्स आर नॉट द गाइज हु हैव नॉट प्लेड इन यूके, मे बी 1 or 2 गाइज हियर एंड देयर, बट रेस्ट ऑल ऑफ अस हैव प्लेड इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सो आई डोंट थिंक इट्स गोना बी अ ह्यूज प्रॉब्लम, बट या लुक I believe in preparation, and preparation again is going to be key for us come the finals. Around 21st May, there will be 6 teams who are possibly going to be out of the IPL tournament. So, whichever players are available, we'll try and find some time and see if they can get to UK as early as possible and get some time in UK. And then we'll monitor what happens after that. गौरतलब है कि ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 जून से द ओवल में शुरू होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 17 मार्च से शुरू होने वाली वनडे सीरीज में भी स्टीव स्मिथी ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी करेंगे। इस सीरीज में पैट कमिंस की गैर मौजूदगी में स्मिथ कप्तानी का मोर्चा देखेंगे। वहीं सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर और ऑलराउंडर एस्टन एगर की भी टीम में वापसी हुई है। ये दोनों खिलाड़ी टेस्ट टीम का हिस्सा थे, लेकिन बाद में अलग अलग वजहों के चलते ऑस्ट्रेलियाई टीम से बाहर हो गए। पैट कमिंस टेस्ट सीरीज के शुरुआती 2 मैचों में खेले थे और दोनों मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया को हार का मुंह देखना पड़ा था। पूर्व क्रिकेटरों को एक साथ लाने और उनकी प्रतिभा को दोबारा मंच देने की कड़ी में खिलाड़ी एक्स लीजेंड्स क्रिकेट ट्रॉफी के उद्घाटन संस्करण को राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को सुपरस्टार क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की उपस्थिति में लॉन्च किया गया। पूर्व क्रिकेटरों के लिए 9 दिनों तक चलने वाले इस T20 टूर्नामेंट में 6 टीमें होंगी और इसमें फाइनल सहित कुल 18 मैच आयोजित होंगे। इस अवसर पर टीम इंडिया के पूर्व आक्रामक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि ये टूर्नामेंट एक मौका देगा अपने चहेते खिलाड़ियों को एक साथ आने का और हर पल के आनंद लेने का। डेब्यू फॉर इंडिया इन 2001 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, सो दैट वाज माय फेवरेट मोमेंट एंड ऑलवेज पीपल आस्क मी मेनी टाइम्स, दे सेड डू अ ट्रिपल सेंचुरी फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, बट यू नो बिफोर दैट टेस्ट मैच डेब्यू आई वाज प्लेइंग लॉट ऑफ वन डे क्रिकेट एंड एवरीबडी वाज थिंकिंग दैट आई कैन प्ले ओनली वन डे, द काइंड ऑफ स्कोप प्ले आई यूज्ड टू डू, सो बट एक्चुअली आई लव टेस्ट क्रिकेट एंड बिकॉज आई स्कोर बिग रन्स इन डोमेस्टिक क्रिकेट इन 4 डे मैचेस, so I think the first test innings of mine was always you know the best one and I'm looking forward to this league, so the legends league, because you know last time I played you know somewhere in Jodhpur or in Delhi or in Kolkata, so I didn't score much runs, so hopefully in this league I'll prepare well and entertain people with my bat and क्रिकेट की खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं बैडमिंटन की। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत आज से होने जा रही है। प्रतियोगिता के पहले दिन एचएस प्रणॉय और लक्ष्य सेन अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। इस टूर्नामेंट में एचएस प्रणॉय, लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु और सात्विक चिराग की जोड़ी से पदक की उम्मीद रहेगी। हालांकि इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले भारतीय दल को बड़ा झटका लगा। भारत की तरफ से महिला एकल में हिस्सा लेने वाली स्टार शटलर साइना नेहवाल ने टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया। हालांकि अभी तक साइना नेहवाल के बाहर होने के कारणों का पता नहीं चला है। भारत ने 22 साल पहले इस टूर्नामेंट में पदक जीता था। पिछली बार साल 2001 में पुलेला गोपीचंद ने यह खिताब अपने नाम किया था। उससे पहले 1980 में प्रकाश पादुकोण इस टूर्नामेंट में पदक जीत चुके हैं। हालांकि पिछली बार लक्ष्य सेन ने फाइनल में जगह जरूर बनाई थी, लेकिन खिताबी मुकाबले में उन्हें हार का मुंह
देखना पड़ा था। और अब बात कर लेते हैं हॉकी की। राउरकेला में खेले जा रहे FIH प्रो लीग में भारत ने अपनी जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए विश्व चैंपियन जर्मनी को 6-3 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली भारतीय टीम प्रो लीग में सर्वोच्च पायदान पर पहुंच गई है। भारत गोल औसत के आधार पर स्पेन से आगे है। बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम शुरू से ही आक्रामक रही। टीम के लिए अभिषेक और सेल्वम कार्ती ने 2-2 गोल दागे, जबकि एक अन्य गोल हरमनप्रीत सिंह ने और जुगराज सिंह ने किया। इस टूर्नामेंट में भारत की ये लगातार तीसरी जीत है। भारत ने इससे पहले अपने पिछले 2 मैच में जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया को हराया था। और अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की, जिसकी शुरुआत कल से होने जा रही है दिल्ली में। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत 15 मार्च से होने जा रही है। ऐसे में इस प्रतियोगिता को लेकर प्रतिभागियों में कितना उत्साह है, साथ ही साथ वो कौन से चेहरे हैं जिनसे देश को इस बार पदक की उम्मीद रहेगी, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मुक्केबाजी में देश के मुक्केबाजों ने विश्व स्तर पर हरदम अपनी सफलता का परचम लहराया है। बात चाहे ओलंपिक की हो या फिर विश्व चैंपियनशिप की या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स की, देश के मुक्केबाज अपने मुक्कों की तपिश से विरोधी को झुलसाने में हरदम आगे रहे हैं। और अब इसी आग को उफान देने के लिए भारतीय महिला मुक्केबाज IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ इस साल दिल्ली में तीसरी बार IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। इस टूर्नामेंट में 74 देशों के 350 से ज्यादा मुक्केबाज हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 12 भारतीय शामिल हैं। इस आयोजन में कुल 20 करोड़ रुपए का प्राइस पूल होगा, जिसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले मुक्केबाज को 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। बिग थिंग्स दैट वी ट्राई टू डू इज टू हैव मोर एंड मोर चैंपियनशिप्स, इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स इन इंडिया, एंड दिस इज द थर्ड वन। इंडिया इज द फर्स्ट नेशन टू होस्ट 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। दिस इज द प्रीमियर इवेंट, 74 नेशंस, 350 पार्टिसिपेंट्स, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेशंस एवर इन अ वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ participants ever in a world championship. So something for all of us to be proud of and happy. भारत की बड़ी उम्मीदों की बात करें तो इसमें पहला नाम निखत जरीन का आता है। साल 2011 में बॉक्सिंग में जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बनी निखत को सीनियर स्तर पर वर्ल्ड चैंपियन बनने में 11 साल का वक्त लगा। इस मुकाम पर वो देर से ही सही लेकिन दुरुस्त आई। तुर्की में थाईलैंड की बॉक्सर को 5-0 से हरा कर वो विश्व चैंपियन बनी। ऐसे में निखत से एक बार फिर से उसी प्रदर्शन को दोहराने की उम्मीद रहेगी। I'm looking forward to represent my country in this world championship and defend my title, but in the different weight category, in the new weight category, that is 50 category, which is an Olympic weight category. So I'm really excited and I hope ki main is baar bhi gold jeet ke apne desh ka naam aise hi roshan karu jis tarah se maine last year kiya tha Istanbul mein. वहीं इस कड़ी में दूसरा नाम लवलीना बोरगोहेन का है, जो कि इस बार भी दम दिखाने को तैयार हैं। हालांकि लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक के बाद से कोई बहुत बड़ा धमाल नहीं मचाया है, फिर भी ये वो नाम है जिससे हर भारतीय को विश्व स्तर की इस प्रतियोगिता में पदक की आस तो रहती ही है। हमारा जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा चल रहा है और हमारे पूरे कोचेस बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमें हर चीज़ का फैसिलिटी मिल रहा है, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रहा है, BFI बहुत सपोर्ट कर रहा है, तो आशा करते हैं कि हम लोग अच्छा करेंगे। हम लोग सभी का ट्रेनिंग भी बहुत अच्छा चल रहा है। हम कोशिश करेंगे हमारे पूरे वेट कैटेगरी में मेडल लाने की। निखत जरीन और लवलीना के अलावा नीतू भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। बर्मिंगम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता नीतू घंगास 48 किलोग्राम भार वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करती नजर आएंगी। दिल्ली में 2018 विश्व चैंपियनशिप में प्रभावशाली प्रदर्शन दिखाने वाली मनीषा मौन भी देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। मनीषा ने 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया था। इनके अलावा कई और बॉक्सर हैं जो अपने स्तर पर अपने नाम को एक नई चमक देने के लिए तैयार दिखेंगे, तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि भारत अपनी मेजबानी में एक बार फिर से इस विश्व चैंपियनशिप में छा जाने को तैयार रहेगा। नारायण सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। तो कल से इस टूर्नामेंट की शुरुआत हो रही है और निखत जरीन से खास बात की हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने, क्योंकि निखत जरीन जो हैं वो वर्ल्ड चैंपियन हैं और देखते हैं कि इस बार क्या वो अपना जो खिताब है उसको बचा पाने में कामयाब हो पाती हैं या नहीं। क्या कुछ कहा देखते हैं। बॉक्सिंग की प्रतिष्ठित वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप भारत में होने वाली है और हमारे साथ हैं वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर निखत। निखत, स्वागत है आपका DD न्यूज में।
एक बड़ी चैंपियनशिप हो रही है, तो किस तरह की तैयारी है इसके लिए? जी तैयारी तो बहुत बढ़िया रही है हमारी। जिस तरह से हमारा प्रिपरेशन रहा है पटियाला NIS में, हेड ऑफ लाइक हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर बर्नर्ड सर जो आयरलैंड से है, हेड कोच जो आयरलैंड से है डिमित्री, और हमारे चीफ कोच भट्ट सर है, और सारे सपोर्टिंग स्टाफ के अंडर हमारी बहुत अच्छी प्रिपरेशन रही है। और सारे बॉक्सर्स ने मेहनत की है बहुत, तो फिलहाल कुछ दिन ही रह गए, बस 5 दिन रह गए वर्ल्ड चैम्पियनशिप स्टार्ट होने में, तो बस वहाँ रिंग में जाना है और अपने देश के लिए मेडल जीतने का एक ही मोटिव लेकर हम जाएंगे। आपने 52 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था वर्ल्ड चैंपियनशिप में, फिर कॉमनवेल्थ में वो 50 kg में आ गया, और ओलंपिक्स में भी आपको जो कैटेगरी है 50, तो कितना मुश्किल रहता है एक बॉक्सर के लिए वेट कैटेगरी बदलना? जी मुश्किल तो बिल्कुल था मेरे लिए, क्योंकि 2 kg कट करके मुझे नीचे आना पड़ा 50 कैटेगरी खेलने में, बट जब आपको कुछ जैसे कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो लाइक थोड़ा बहुत मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ा खाने के चीज़ों में, बट वेन यू हैव दैट हंगर टू अचीव ना, तो ये सब मैटर नहीं करते, ये सब सेकेंडरी है। तो मेरा मेन मकसद यही है कि इस कैटेगरी में अपने देश के लिए मेडल जीतना है, तो उस हिसाब से मैंने अपनी तैयारी की है। बॉक्सिंग की बात करें, बहुत स्ट्रगल रहा आपकी लाइफ में बॉक्सर बनने के लिए, तो वो स्ट्रगल कितना मदद करता है, मेंटली कितना टफ बनाता है आपको? क्योंकि बॉक्सिंग एक फिजिकल स्पोर्ट है लेकिन मेंटल स्ट्रांगनेस भी होना बहुत ज़रूरी है, तो जो आपने स्ट्रगल किया लाइफ में वो कितना मदद करता है आपको? जी बिल्कुल, जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आता है जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि गिव अप कर देना चाहिए, तो मेरे दिमाग में बस एक ही थॉट आता है कि मैंने शुरू क्यों किया, क्योंकि जब स्टार्टिंग से ही मुझे डिफ़िकल्टीज देखने पड़ा था मुझे, तो ये सब जो भी आता है मेरे करेंट करियर में प्रॉब्लम जो भी है, उसको मैं ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती हूँ, और उस चीज़ को मैं पॉजिटिव लेके मैं आगे बढ़ती हूँ और ज़्यादा मेहनत करती हूँ, क्योंकि आपको अगर सक्सेस चाहिए लाइफ में तो मेहनत बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मैं मेहनत पे बहुत इम्पॉर्टेंट बिलीव रखती हूँ, तो मैंने अपने आप पे बहुत मेहनत की है तभी जाके मैं इस मुकाम तक पहुँची हूँ, तो यही उम्मीद लेके आगे भी चलते रहूँगी मैं। तो निखत ने बहुत मेहनत की है, और आशा करते हैं कि इस चैंपियनशिप में भी जो पिछले बार उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था उसको ही ट्रांसलेट करेंगे सक्सेस में, और भारत के लिए एक और गोल्ड मेडल लाएंगे इस वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। कैमरा पर्सन महेश के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, न्यू दिल्ली। तो वाकई उम्मीदें निखत जरीन से काफ़ी रहेंगी। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप से पहले दिग्गज भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम का कहना है कि इस बार चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिलेगा। मैरी कॉम की माने तो भारतीय मुक्केबाज पूरी तरह से तैयार हैं, जो कि कम से कम 3 स्वर्ण पदक देश के नाम कर सकते हैं। Our girls are performing very well. Actually, last World Championship and many of the competition, international championship and all. So this time, why not? We will, we are hosting. Why not? I mean, is we are hosting. We are having a World Championship. Even other countries are also very strong. So what my wish and expectation is at least 3 gold medals should be, and of course total medals be 5-6. वहीं निखत जरीन पर उन्होंने कहा कि इस मुक्केबाज से स्वर्ण पदक की उम्मीद सबको है। In India, the performance wise. So I cannot say anything about on her and any about all the other our boxer. Once they start the performing like box well, fight well, then of course at least I can say that expectation she will definitely win something medal or something gold like. मैरी कॉम ने कहा कि वो बॉक्सिंग से संन्यास नहीं लेना चाहती, हालांकि प्रतियोगिता में उम्र सीमा तय होने की वजह से उन्हें प्रतियोगिताओं से बाहर होना पड़ेगा। I don't want to retire anymore at all.
मैं रिटायर करना नहीं चाह रहा, आई वांट टू बी यू नो कॉम्पीट इन इन द अपकमिंग इयर्स और मे बी फाइव नादर यू नो फाइव इयर्स सिक्स इयर, बट अनफॉर्चुनेट बिकॉज ऑफ द एज लिमिट द रूल्स 40 अबव कुड नॉट कॉम्पीट. That is the rule already, then I cannot do anything. I'm trying to come back very soon. After the recovery, I'm doing my recovery at the same time, and recovery also is going very well. I'm trying to, you know, recovery should also go fast and coming back. बॉक्सिंग के बाद अब बात कर लेते हैं फुटबॉल की. चैंपियंस लीग में आज होने वाले अंतिम 16 के दूसरे लेग में इंटर मिलान और पोर्टो आमने सामने होंगे. पहले लेग में पोर्टो को 1-0 से हराने के बाद इंटर मिलान के पास बढ़त हासिल है. चैंपियंस लीग के अगले चरण में कौन आगे बढ़ेगा ये तय करने के लिए इंटर मिलान आज देर रात पोर्टो से अंतिम 16 के दूसरे लेग में भिड़ेगा. 3 बार के चैंपियन इंटर मिलान पहले चरण के मैच से 1 गोल की बढ़त के साथ पुर्तगाल में ये मुकाबला खेलने पहुंचे हैं. पहले लेग में इंटर मिलान की ओर से रुमेलू लुकाकू ने एकमात्र गोल किया था. वहीं इंटर के कोच सिमोने इंजाकी को उम्मीद है कि उनकी टीम 2011 के बाद पहली बार प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगी. हम जानते हैं कि ये उस तरह का मैच होने जा रहा है जैसा कि हम इस सीजन और पिछले साल भी खेल चुके हैं. जाहिर है कल हम क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर एक बड़ा कदम आगे बढ़ा सकते हैं. अब 10 साल से अधिक हो गए हैं जब इंटर आखिरी बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचा था. हमें सुधार करने की जरूरत है. तब से हर दिन हम बेहतर होने के लिए काम कर रहे हैं ताकि हम अगला कदम उठा सकें. सैन सिरो में पहले मैच के बाद हम अच्छी स्थिति में हैं और ये केवल अपनी एकाग्रता बनाए रखने के लिए संघर्ष करने के बारे में है, क्योंकि हम एक ऐसी टीम के खिलाफ हैं जो इस प्रकार की चुनौतियों के लिए अभ्यस्त है, जो अपने स्टेडियम में खेल रही है, और इसलिए हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है. वही इंटर मिलान के खिलाड़ी हकन कलहनदोग्लू का मानना है कि उनकी टीम इस सीजन में अच्छा खेली है और वे चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में स्थान बनाने में सफल हो जाएगी. चैंपियंस लीग में अब तक का हमारा सफर वास्तव में अच्छा रहा है. हम शीर्ष टीमों के खिलाफ खेले हैं और हमने अच्छा खेला है. हम क्वार्टर फाइनल में पहुंचना चाहते हैं, यही हमारा उद्देश्य है. हम केवल कल के बारे में सोच रहे हैं. इस मुकाबले से पहले पोर्टो के कोच सर्जियो कॉन्सेक्रो का कहना है कि इस तरह के उच्च स्तरीय मैच में हमें अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरना होगा. मुझे लगता है कि इस तरह के उच्च स्तरीय मैचों में हमें उस तरह से खेलना होगा जिस तरह हम मैच में सबसे अधिक सहज महसूस करते हैं. हम विरोधियों के साथ इतना एडजस्ट नहीं कर सकते. मैच उन्हीं दो टीमों के बीच है लेकिन स्पष्ट रूप से एक जैसा नहीं है. मैच के पल एक जैसे हो सकते हैं लेकिन वे कभी एक जैसे नहीं होते. यह उन खिलाड़ियों पर निर्भर करता है जो इंटर के लिए खेलेंगे. पोर्टो अपने मिडफील्डर ओटावियो के बगैर इस मैच में उतरेगी. गौरतलब है कि ओटावियो को सैन सिरो में रेड कार्ड दिखाया गया था. पोर्टो पहले लेग में 1-0 से हार गई थी जिससे अपने ही घर में खेलने के बावजूद उस पर दबाव होगा. स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज. चैंपियंस लीग में आज होने वाले दूसरे मुकाबले में आरबी लेप्ज़िग का सामना मैनचेस्टर सिटी से होगा. अंतिम 16 के इस दूसरे लेग के मुकाबले के लिए दोनों टीमें तैयार हैं. वहीं खेले गए पहले लेग में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर मैच जो था वो बराबर रहा था. ऐसे में दोनों ही टीमों पर कहीं ना कहीं ये दबाव वाला मैच होगा. प्रीमियर लीग चैंपियन मैनचेस्टर सिटी आज चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 के दूसरे लेग में आरबी लेप्ज़िग से भिड़ेगी. पहला लेग 1-1 से ड्रॉ रहने के बाद इस दूसरे लेग में मैन सिटी पर दबाव रहेगा. वहीं आरबी लेप्ज़िग के मुख्य कोच मार्को रोस को उम्मीद है कि मंगलवार को होने वाले इस मुकाबले में मैन सिटी के खिलाफ चैंपियंस लीग के अंतिम 16 रिटर्न लेग से पहले उनकी टीम का प्रदर्शन चरम पर होगा. But for me, यह शीर्ष टीम के खिलाफ संतुलन के बारे में है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा डिफेंस भी उतना ही मजबूत हो जितना कि हमारा अटैक. अगर हम डिफेंस में हल्के हों तो फिर अच्छा अटैक का भी कोई फायदा नहीं. इसलिए हमें एक अच्छे संतुलन, ढेर सारे आत्मविश्वास की जरूरत है. यही महत्वपूर्ण है. आत्मविश्वास, साहस और सीजन का हमारा सर्वश्रेष्ठ खेल ही हमारे काम आएगा. हमारे पास अब दूसरे लेग में मौका है. इसका मतलब कि हमने पहले लेग में प्रतिद्वंदी को खेला था. हम जानते हैं कि क्या उम्मीद करनी है, किस गुणवत्ता और किस तरह की प्रणाली के साथ खेलना है. इनमें से कोई भी नया नहीं है. मैनचेस्टर सिटी कुछ चीजों को फिर से समायोजित कर सकता है. हमें सतर्क रहना होगा. उधर सिटी के खिलाड़ी अर्लिंग हॉलैंड को लेकर लेप्ज़िग के कोच मार्को रोस का कहना है कि उन्हें मैदान पर रोकना काफी मुश्किल होता है और वैसे भी सिटी की टीम में उनके अलावा भी कई और विश्व स्तरीय खिलाड़ी मौजूद हैं.
आप अर्लिंग हालांद को कभी भी पूरी तरह से रोक नहीं पाएंगे। पहले चरण में भी उनकी एक स्थिति थी जहां वह गोल की ओर बढ़ रहे थे। हमें एक टीम के तौर पर हर चीज का मुकाबला करना होगा और सबसे बढ़कर हमें हर मिनट सतर्क और पूरी तरह जागृत रहना होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा, यहां सिर्फ एक अर्लिंग हालांद की बात नहीं है, उनके पास बहुत सारे विश्व स्तर के खिलाड़ी हैं। वहीं आरबी लाइप्ज़िग के साथ होने वाले इस महत्वपूर्ण मुकाबले से पहले मैन सिटी के कोच पेप गार्डियोला ने अर्लिंग हालांद के बारे में कहा है कि वो टीम का महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, लेकिन हम एक टीम के रूप में सामने होंगे। हालांद महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं कि सिर्फ एक खिलाड़ी गोल करने के लिए बॉक्स में हो। बेशक वह बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्य बात यह है कि हमें इसकी आवश्यकता है, लेकिन इसके अलावा जब हम विरोधियों के बॉक्स से दूर होते हैं और वह गोल नहीं कर पाता है, तो हमें उसे शामिल करने और सक्रिय रहने की आवश्यकता होती है। हमें उसे देखना होगा, हम जो कर रहे हैं उसमें उसे शामिल करना होगा, हम इसमें सुधार कर सकते हैं। गौरतलब है कि गार्डियोला ने सिटी में 4 प्रीमियर लीग खिताब, 1 एफए कप और 4 लीग कप समेत 9 प्रमुख ट्रॉफियां जीती हैं, लेकिन उनके अभी भी चैंपियंस लीग के पहले खिताब की दरकार है। गार्डियोला ने बार्सिलोना कोच के रूप में 2 बार ये ट्रॉफी जीती है। उनके दौर में चैंपियंस लीग में इंग्लिश क्लब सिटी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2021 में उप विजेता रहना रहा था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।